एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये रहा दास बाबू जी 800 पे। अभी हम लोग जा रहे हैं लोनावाला। लोनावाला में कहाँ पे जाने वाले हैं वो पता नहीं, कहाँ पे जाने वाले चलेगा, जो देखते हैं कि कौन सा चालू होता है। अभी टाइम क्या हुआ, 7 बज गए, ऑलमोस्ट 5 मिनट, तो 1 घंटा यहाँ से लगेगा हमको पहुँचने के लिए। तो उधर पहुँच के देखते हैं कि कौन सी जगह पर हम लोग पार्टी। तेरी तरफ से आज कोई तो बोल रहा है, आपकी तरफ से, तेरी तरफ से पेंडिंग है पिछले का, पिछले वीडियो में तूने बोला है अप्रूव। तो चलो अभी हम लोग उधर ही मिलते हैं डायरेक्टली। Starting our ride from Kalamboli Maggi to Lonavala. That's the CTR 650F transformed to 650R. क्या है कि मुझे मेरे बूट्स का टेस्टिंग करना है एंड द ग्लव्स दैट आई हैव, दैट्स दी राइनॉक्स वन। सो बिफोर द राइड आई नीड टू टेस्ट इट, ब्रेकिंग करना है उसका। ये छोटा सा राइड लोनावाला तक और फिर रिटर्न। अभी टाइम हुआ है 7:15, अब देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग उधर पहुँच पाते हैं। मुझे लगा था वो लोग ओवरटेक करके आगे चले जाएंगे एंड मैं स्लो रहूँगा, बट स्पीड ब्रेकर की फ़ायदा उठाते हुए दूर दूर तक दिख नहीं रहे वो लोग। मुझे लगता है आगे जाके मुझे रुकना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप जब भी आप बाइक खरीदो तो उसके पहले अपने सेफ्टी गेयर से ज़्यादा इन्वेस्ट करना। जितना ज़्यादा अच्छा सेफ्टी गेयर आप लोगे उतना आपके लिए भी फ़ायदा होगा। ये मत सोचना कि वेस्ट ऑफ मनी है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज क्या है, बाइक अगर एक्सीडेंट होता है तो रिपेयर हो सकता है, इंसान को अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट मोर ऑन सेफ्टी, उसके बाद अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए तो आप अपने हिसाब से एक्सेसरीज डाल सकते हो। आप एक्सेसरीज किसने बोला उसने बोला ऐसा नहीं है, अपने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने बाइक में डाल सकते हैं। वॉट एवर इज़ नीडेड वही चीज़ें डालिए, ज़्यादा डाल के कोई मतलब नहीं है।
अब मैंने जो मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन किया है या जो एक्सेसरीज डाली है वो मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाली, ना कि कोई किसी और ने बोला उसने बोला ऐसा वैसा। इट्स जस्ट दैट मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बाइक मैं मोस्टली तो टूरिंग के लिए रखने वाला हूँ। कभी कभार मन किया तो मैं जाऊँगा ऑफ रोडिंग के लिए। इट इज़ अ गुड ऑफ रोडिंग बाइक ऑल्सो, बट मेरे पास इम्पल्स है तो मैं वो लेकिन लेके जाऊंगा और इसे नहीं। तो मैं तो फटाफट पहुंच गया खपोली और ये लोग पहुंचे नहीं, तो मैं लगता है आगे जाके है ना इधर घाट सेक्शन चालू होगा वहाँ पे रुक जाता हूँ और उनके लिए वेट करता हूँ। मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया, इट्स ऑलमोस्ट 7:34। तो ये बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है जब टूरिंग कर रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो, एक नंबर। और जब नया सेफ्टी गेयर्स आप खरीदते हो तो उसको ब्रेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्टली बैठ जाओ और चले जाए रोड ट्रिप के लिए। क्या होता है, आपको अडेप्ट होना होता है। इफ फॉर एग्जांपल ग्लव्स है तो आपको ब्रेक क्लच दबाते समय कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या है, अगर आपको यूज़ टू नहीं हो ग्लव्स से, नए ग्लव्स से, तो प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड, अगर आप नए बूट्स लेते हो तो उसको ऑलमोस्ट पहन के थोड़ी देर चलिए, यानी फॉर एग्जांपल एक घंटा चल लीजिए, छोटा मोटा राइड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप गियर चेंज करना है, ब्रेकिंग करना है, तो उसमें आप यूज़ के हो जाएंगे बूट्स के साथ। सो राइडिंग बूट्स और नॉर्मल शूज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। नॉर्मल बूट्स जो रहते हैं वो तो ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, बट राइडिंग बूट्स को थोड़ा ब्रेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैकेट है, पैंट्स है, तो वो सब चीज़ें ऐसी है कि आपको पहन के ही ट्रायल लेना है। ऑनलाइन से मंगाने से अच्छा है कि आप कोई नियरेस्ट शॉप पे चले जाइए, वहाँ पे जाके ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपने पहन के देख लिया है, आपको फिट एंड फिनिश ऐसा है, वो आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उसको फिर रिटर्न कर, वो थोड़ा है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट ठीक है, उतना टाइम गवाने से अच्छा कि आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाके ले लीजिए। बट कभी भी अपने सेफ्टी गियर पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर राइडिंग। क्या होता है, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, एक्सीडेंट होता है, गलती किसी और की रहती है, बट फिर भी बाइकर्स को बोला जाता है कि आपकी गलती, आप इतने स्पीड पे चला रहे हो, ऐसा वैसा। तो उससे अच्छा अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है तो अपनी सेफ्टी के लिए हर एक चीज़ वो दीजिए जो आपको ज़रूरी लगती है। घाट सेक्शन के लिए थोड़ा सा ही आगे है, मैं वहाँ पे जाके रुक जाता हूँ उनके लिए। अभी आ रहे हैं लोग, काफ़ी टाइम लगा दिया। वीडियो में आपने देखा होगा कि ये 650F है जिसको मॉडिफाई किया हुआ है 650R में। दास बाबू दिख नहीं रहे किधर है, क्या बात है, आज दास बाबू लेट है। We'll be right back.
नाश्ता करने के लिए दास बाबू अपना बाइक निकलते हुए क्या है इसे कैसे पार्किंग करते हो तुम ले We are going back home. आज काफ़ी लेट हो गया ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है वी आर ऑन टाइम 8:55 अभी एक घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर पर आज वैसे तो कुछ करने को है नहीं साइड ऑफ एंड ग्लव अभी अमन आ गया है आज एक्चुअली वो लेट हो गया है तो चलो चलते आगे एक्चुअली सुबह वो उठ नहीं पाया था मैंने उसको कॉल किया था तो तब उठा था 6:40 समथिंग था कल 7 बजे अपना निकलने का टाइम था उसको निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया और अभी जस्ट पहुंचा है लोनावाला एंड रिटर्न जा रहा है बोला ब्रेकफास्ट घर पे ही कर लेगा चलो कुछ नहीं पहुंचते हैं घर पे सुबह जा रहा है ट्रेन यहाँ पे हम लोग ने रुक के कुछ अच्छे फ़ोटोज़ खींचे वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा दैट साइलेंट बाइक अंडरस्कोर की भी अभी यहाँ से निकलते हैं फटफट घर पहुँचते हैं चलो मैं फिर आ गया बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स वो लोग स्लो है अभी भी पीछे ही है अभी थोड़ा स्लो एवरेज में चलाता हूँ काफ़ी भगा दिया बॉडी स्ट्रेच भी कर लूँ चलो बाय So I have
reached home, ending this video over here. You can follow me on my Instagram ID, that's silentbike_kb. Chalo, bye bye.